आजमगढ़ जिले के शारदा तिराहे पर स्थित शारदा टाकेज में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सूत्रधार के तत्वाधान में 31 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन 14 फरवरी से चल रहा है, जिसकी समाप्ति 15 मार्च को होगी और उसी दिन शाम को स्वतंत्रता संग्राम के एक गुमनाम नायक बूंदू अहीर का मंचन होगा। बता दें कि ये कार्यशाला बिल्कुल फ्री में आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले बच्चों की आयु सीमा 8 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच रखी गई है। सूत्रधार अपने आयोजनों से हमेशा ही चकित करता रहा है। इस बार अमृत महोत्सव के अंतर्गत बच्चों द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जब हम कार्यशाला में पहुंचे तो देखा बच्चे अपनी भूमिका के हिसाब से रिहर्सल कर रहे थे और तलवार लेकर अपने अपने डायलॉग बोल रहे थे। कभी वो हारमोनियम पर रिहर्सल कर रहे थे तो कभी अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब हमने सूत्रधार के कर्ता धर्ता और रंगमंच के बेजोड़ अभिनेता अभिषेक पंडित से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर बड़ी ऊर्जा है, ये पूरी लगन के साथ सीखते हैं। पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सूत्रधार के तत्वाधान में 30 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन हुआ है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को अभिनय नहीं सिखाया जा रहा बल्कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने का काम किया जा रहा है। 15 मार्च को बच्चे अपने प्रदर्शन से दर्शकों को चकित जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, पहले खोजना पड़ता था, अब ये शहर भी धीरे धीरे करवट बदल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने इस एक हॉल में चल रही इस कार्यशाला को कवरेज करने स्टोरी करने की जहमत उठाई है। जैसा कि आपको पता है हमारे देश की आज़ादी को 75वां वर्ष है और पूरा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली ने कुछ कार्यशालाएं पूरे देश में आयोजित की हैं। उनमें से एक कार्यशाला ये 30 दिवसीय कार्यशाला आजमगढ़ में भी लगी है जो सूत्रधार के कोलाब्रेशन से है। तो यहाँ बच्चों को हम लोग तमाम तरह के मानसिक और शारीरिक अभ्यास, योग, एरोबिक्स और कुछ खेल कूद के जरिए बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव विषय पर एक गुमनाम नायक के ऊपर एक नाटक तैयार कर रहे हैं। और इस काम में हमारे बहुत सारे सहायक साथ में हैं, ममता जी असिस्ट कर रही हैं, हरिकेश जी हैं, नीरज भाई हमारे इस नाटक के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। देखिए बच्चे तो मेहनती होते ही हैं, अक्सर हम अभिभावक लोग जो है, मेरे भी दो बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को जज करने लगते हैं कि इसमें ये कमी है या इसमें ये अच्छा है। हकीकत यह है कि प्राकृतिक रूप से बच्चे बहुत ही जहीन होते हैं, समझदार और मेहनती होते हैं, बल्कि इन बच्चों के साथ काम करते हो तो हमें अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। तो 15 तारीख को एक छोटा सा नाटक 1 घंटे का सूबेदार बूंदू नाम से यहाँ मंचित किया जाएगा। 1 महीने में इन लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उस नाटक के माध्यम से प्रदर्शन होगा। वहीं जब हमने 15 मार्च को प्रदर्शित होने वाले नाटक के म्यूजिक डायरेक्टर से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सूत्रधार के तत्वाधान में 31 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन 14 फरवरी से चल रहा है। इसमें बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका काम देखकर लोग जरूर प्रशंसा करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर का बयान और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। नीरज जी बताएं, जो यहाँ पे वर्कशॉप आयोजित हो रही है और आप उसमें म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा, बच्चे किस तरह से सीखे? जी शुक्रिया। अभी जैसे अभिषेक जी ने आपको बताया, एक तो बच्चों से हमें अक्सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये प्रक्रिया हमेशा रहती है। और जैसा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जो है अहम कदम उठाया उसके लिए धन्यवाद उनको। बेसिक जो हमारा बच्चों को लेके नाटक करने का उद्देश्य इनको केवल आर्टिस्ट बनाना नहीं है, इन बेसिकली इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। दूसरा मेन उद्देश्य एक ये भी है कि जो कुछ बच्चे बड़े शाई नेचर के होते हैं, अपनी बात कई बार को अपने पेरेंट्स को भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे यहाँ जो पढ़ाई का एक बोझ होता है उससे थोड़ा सा निकलें और खुल के अपनी बात कह पाएँ, कम से कम किसी गार्जियन के सामने या टीचर्स के सामने, जो टीचर का टेरर एक ज़माने में हम लोगों के समय पर रहता था। तो एक ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बच्चे बेसिकली बच्चे अपनी बात रखें, डरे नहीं, और उनमें सारी कोशिशें हम लोग कर रहे हैं। कुछ जैसे सर ने बताया कि योग एक बड़ा बच्चों के हिसाब से ही थोड़ी चीज़ें लेके, संगीत का एक पहलू है, उनको 15-20 दिन में बेसिक चीज़ें हम उनको बता पाएँ। हमें ये बताइए कि जैसे NSD जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सूत्रधार के संयुक्त आयोजन में
ये आयोजित हो रही वर्कशॉप किस दिन की, इसमें कितने बच्चे आए हैं और किस तरह का सपोर्ट मिला है, सहयोग मिला है NSD की तरफ से? देखिए, इसमें बच्चे तो 30 लगभग 30 और 31 बच्चे के आसपास हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अगर सहयोग ना हो तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है। जो कॉस्ट मिल रही है वो हमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ही सारी चीज़ें दे रही है और इसमें बच्चों से हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये है कि उनका जो वक्त है हमें मिल जाए और उसके लिए हम लोग सारी कोशिश कर रहे हैं। और आज़ादी का चूंकि जैसे बताया सर ने कि अमृत महोत्सव चल रहा है, तो एक कुछ थोड़ा सा एक बीज एक बच्चों के दिमाग में पड़ जाएगा कि 1857 क्या था, उसमें आज़ादी क्या थी, कैसे क्या मिली, तो उसमें एक गुमनाम योद्धा हुए जैसे सर ने बताया, तो उनके बारे में हम लोग खेल खेल में बच्चों के साथ बिना किसी प्रेशर के उनको बता रहे हैं। और इसकी एक प्रस्तुति 15 तारीख होगी और आशा करते हैं आप लोग आइए तो उसको देखिए और बच्चों का मनोबल बढ़ाइए।